Hello dear student, as you know we are discussing about the general features of animal kingdom. Now we have discussed body plan, we have discussed level of organization. Now today we are going to discuss about symmetry. So what is symmetry? It refers to the similarity of arrangement of parts on the opposite sides of the body. तो ये क्या है जो बॉडी पार्ट्स है उनके अरेंजमेंट में जो सिमिलैरिटी है कहाँ पर बॉडी के अपोजिट एंड्स पर. फॉर एग्जांपल जैसे मेरी लेफ्ट साइड और राइट साइड है तो मेरी दोनों लेफ्ट और राइट साइड पर क्या है एक सिमिलैरिटी है अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स में जो बॉडी पार्ट्स हैं. सपोज माय हैंड्स, सपोज ईयर्स, आईज, तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों पर क्या है एक रेपिटेशन, एक अरेंजमेंट जो है वो एक सिमिट्री मेरी बॉडी में है. तो उसी तरह से रेफर्स टू द सिमिलैरिटी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑन द अपोजिट साइड जो बॉडी की है उस पे जो हमारे पार्ट्स हैं वो सिमिलर हैं या नहीं है उसको हम कहते हैं सिमिट्री. तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास वो ऐसे हैं जिनमें कोई भी सिमिट्री नहीं है, तो सच एज अमीबा. तो अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा इज अ एसिमेट्रिकल एनिमल. एसिमेट्रिकल मींस देयर इज नो सिमिलैरिटी इन अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ बॉडी. सिमिट्री मींस इट इज पॉसिबल टू कट अ बॉडी, चाहे एनिमल की है चाहे ह्यूमन बींग की है. इट इज पॉसिबल टू कट अ बॉडी इन टू सिमिलर हाफ्स बाय एनी प्लेन बाय और एनी सेक्शन. कोई प्लेन के थ्रू जो है उस एनिमल की बॉडी को जो है वो बराबर भागों में बांटा जा सके तो उसे हम कहते हैं सिमिट्री. तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पूरी तरह एसिमिट्रिकल हैं, कोई भी जो हमारे पास सिमिट्री उन पार्ट्स में नहीं है बॉडी पार्ट्स में, दैट इज अमीबा. और दूसरा जो एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दूंगी दैट इज ऑफ अडल्ट स्नेल. तो यहाँ पर अडल्ट स्नेल क्यों बोला हमने, आपने स्नेल का जो है स्ट्रक्चर देखा होगा, स्नेल देखी होगी, लंबी सी बॉडी होती है और बॉडी के ऊपर एक शेल होता है. तो शेल के अंदर उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं तो वो जो है हमारे पास उसमें कोई सिमिट्री उस स्ट्रक्चर में नहीं बनती. तो अडल्ट स्नेल जो है इट इज अ एसिमेट्रिकल थिंग. एंड अडल्ट स्नेल लिखना यहाँ पे बहुत जरूरी है क्योंकि जो बेबी स्नेल होती है उसमें एक एक फिनोमेना होता है टॉर्शन. टॉर्शन मींस जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं वो उनकी मूवमेंट हो जाती है एट एंगल ऑफ 180 डिग्री पे वो घूम जाते हैं पार्ट्स, तो वो अडल्ट स्नेल में होता है तो इसलिए वो एसिमेट्रिक हो जाती है. अदरवाइज जो बेबी स्नेल होती है इट हैज बाइलेटरल सिमिट्री. सो इट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू कि अडल्ट स्नेल की सिमिट्री क्या है, इट इज एसिमेट्रिकल. अब दूसरी तरफ जो हमारे पास चीजें हैं दैट इज सिमिट्रिकल. जो सिमिट्रिकल चीज़ें हमारे पास हैं, सिमिट्रिकल ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी में कुछ बॉडी पार्ट्स में अरेंजमेंट में कुछ सिमिलैरिटी है, तो उस बेसिस पर हमारे पास तीन तरह की सिमिट्री जो है वो एग्जिस्ट करती है एनिमल्स में. तो फर्स्ट इज यूनिवर्सल और स्फेरिकल and the second one is bilateral and the third one is radial. So these are the three kinds of symmetry, we'll take them one by one. So first is universal or spherical symmetry. तो जैसे कि term बता रही है universal और spherical means sphere. तो ऐसे animals जिनकी बॉडी जो है बॉल लाइक होती है उनमें होती है स्फेरिकल सिमिट्री. तो स्फेरिकल सिमिट्री जिन ऑर्गेनिज्म में होता है उनमें क्या होता है, इट इज पॉसिबल टू डिवाइड द बॉडी इनटू इक्वल पार्ट्स थ्रू एनी प्लेन पासिंग थ्रू द बॉडी. तो स्फेरिकल सिमिट्री या बॉल लाइक बॉडी जिन ऑर्गेनिज्म की होगी उनको आप किसी भी तरह से कट करो, कहीं से भी कट करो, वो जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे.
तो इस तरह बॉल लाइक बॉडी है, तो प्लेन क्या है, इमेजिनरी प्लेन्स होते हैं, इस तरह से कट किया जाता है बॉडी को, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है थ्रू एनी प्लेन, किसी भी तरह से इट इज पॉसिबल टू डिवाइड बॉडी इनटू इक्वल पार्ट्स थ्रू एनी प्लेन पासिंग थ्रू द बॉडी. सो कंडीशन इज, जो ये प्लेन है इट शुड पास थ्रू द सेंटर. तो इमेजिन करो एक स्फेरिकल ऑर्गेनिज्म है, बॉल है हमारे पास, तो उसको हम कैसे कट करेंगे, उसको हम जहां से भी काटे वो प्लेन, शर्त ये है कि वो बीच से होकर के गुजरना चाहिए उस सेंटर से, उस स्फेयर के, और वो जो है इक्वल पार्ट्स में कट हो सकता है. तो इसका जो एग्जाम्पल हमारे पास है वो है वॉल्वॉक्स. तो ये जो है हमारे पास, ये बिल्कुल स्फेरिकल एक ऑर्गेनिज्म है, एल्गी है ये. तो आई विल शो यू विद हेल्प ऑफ अ बॉल. सो सपोज दिस इज अ स्फेरिकल ऑर्गेनिज्म वॉल्वॉक्स. तो अब कोई भी प्लेन, चाहे प्लेन मैं यहां से कट करूं तब भी ये इक्वल भागों में बांटे बन जाएगा, एक प्लेन में यहां से इंसर्ट करती हूं तब भी ये इक्वल भागों में बटेगा, इस तरह से इसको काटूंगी, ठीक है, एक रेडियल प्लेन मेरा अगर जाएगा तब भी ये इक्वल भागों में बट जाएगा, इस तरह से रेडियली काटूंगी तब भी ये इक्वल पार्ट्स में जो है वो बट जाएगा. तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सर्कुलर सॉरी स्फेरिकल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे हैव यूनिवर्सल और स्फेरिकल सिमिट्री. सो आई विल शो यू, सो लाइक दिस. तो अगर मैं इसको यहां से कट करूं तब भी इक्वल, यहां से कट करूं तब भी इक्वल पार्ट्स में, यहां से कट करूंगी तब भी इक्वल पार्ट्स में, और यहां से कट करूंगी तब भी इक्वल पार्ट्स में ये बन जाएगा. सो दिस इज स्फेरिकल और यूनिवर्सल सिमिट्री. सो इसमें आप एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे, जो भी मेरा प्लेन था इसको डिवाइड करने का, इट वॉज पासिंग थ्रू द सेंटर, यहां से चाहे इधर से, चाहे मैंने इसको यहां से कट किया है चाहे यहां से कट किया है, आइदर द प्लेन वॉज फ्रॉम दिस साइड आइदर द प्लेन वॉज फ्रॉम दिस साइड, एवरी टाइम द डिविजन प्लेन इज पासिंग थ्रू द सेंटर, इसके बाद ही ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ सिमिट्री, दैट इज द रेडियल सिमिट्री. तो रेडियल सिमिट्री नाम से पता लग रहा है, कोई पॉइंट है वहां से कोई चीज जो है वो रेडिएट कर रही है. तो यहां पर क्या है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस लाइक रेज ऑफ अ सन. फॉर एग्जाम्पल दिस स्ट्रक्चर आई हैव फॉर यू. तो यहां पर क्या है, अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स. तो जो ये है, सपोज दीज आर दी बॉडी पार्ट्स, तो इस तरह की जो सिमिट्री है वो देखने को मिलती है हाइड्रा में. हाइड्रा है जो आपने देखा होगा अपनी 9th और 10th की बुक्स में भी देखा होगा. तो अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस, तो ये एक सेंट्रल एक्सिस है यहां पर, इसके चारों ओर क्या है, अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस. तो बॉडी के पार्ट्स अरेंज है लाइक रेज ऑफ अ सन. तो सन की रेज जैसी होती है उसी तरह से सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ जो है वो बॉडी पार्ट्स अरेंज है. तो हाइड्रा जो है लगभग ऐसे ही होता है, इस तरह की बॉडी होती है, ऊपर क्राउन ऑफ टेंटिकल्स होता है. तो उसी तरह से दूसरा पॉइंट रेडियल सिमिट्री में क्या रहेगा, एनिमल्स हैव टॉप एंड बॉटम. तो एनिमल्स में क्या है, एक टॉप एंड होगी, एक ओरल एंड होगी जिसको टॉप एंड बोल रहे हैं. ओरल मीन्स वो एंड जिस पर माउथ होगा. एक एबोरल एंड होगी, एबोरल एंड जिस पे माउथ नहीं है. तो ये एबोरल एंड होगी. तो एनिमल्स में क्या होगा, टॉप एंड बॉटम होगा, नो लेफ्ट राइट. अब ये देख सकते हैं आप, ये हर तरह से सेम है, कोई पार्ट यहाँ पे नहीं है, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है. तो इस एनिमल का पर्टिकुलर, देर इज नो लेफ्ट एंड राइट साइड, सब सेम है. उसी तरह से देर इज नो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. तो सारी तरफ से सेम ही है अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स. तो हमें नहीं पता लग रहा कि एंटीरियर आगे वाली साइड कौन सी है और पीछे की साइड कौन सी है. तो उसी तरह से और क्या होता है, नंबर ऑफ सिमिलर पार्ट्स रेडिएटिंग आउट फ्रॉम अ सेंट्रल एक्सिस. फिर वही बात. तो जैसे इसमें मैं बात बताऊं आपको, सपोज दिस इज अ हाइड्रा. तो अब मैं इसको इक्वल प्लेन्स में डिवाइड, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगी. तो मैं इसको कैसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगी. तो सपोज यहां पे हम टेंटिकल्स को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो इसको जैसे मैंने रेफरेंस ले लिया है, अब यहां से हम अगर कट करेंगे तो जो हमारे पास देखेंगे रेडियल प्लेन से, मींस रेडियस के थ्रू अगर हम कट करेंगे,
तो ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एक लाइन मैंने फुल ड्रॉ की है, इसको क्या कहते हैं, डायमीटर। और इस तरह से दिस इज द रेडियस। तो रेडियल सिमिट्री में रेडियस के थ्रू जो कट हम लगाएंगे, इट विल डिवाइड द बॉडी इनटू इक्वल पार्ट्स। सो ये इस तरह से रेडियली, ये रेडियल आ गया हमारे पास ट्राइंगुलर सेक्शन। तो उसी तरह से जैसे मैं यहां से इसको कट करती हूँ, लाइक दिस, यहां से कट किया तब भी यहां पर कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, तो इक्वल पार्ट्स हो गए। फोर टेंटिकल्स इस साइड आए हैं, फोर टेंटिकल्स इस साइड आए हैं। उसी तरह से अगर मैं इसको इस तरह से कट करती हूँ, ठीक है, दूसरा प्लेन जो है ये हो गया, तो तब भी हमारे पास फोर फोर टेंटिकल्स जो है दोनों साइड पे आए हुए। तो दिस इज द रेडियल प्लेन, इस तरीके से, दैट इज रेडियल सिमिट्री। एंड इट इज फाउंड इन सीलेंट्रेट्स स्पेशली, एग्जाम्पल इज हाइड्रा, सी एनीमोन, जेलीफिश एटसेट्रा। सो दिस वॉज रेडियल सिमिट्री। नाउ बायलेटरल सिमिट्री। सो थर्ड काइंड ऑफ सिमिट्री इज बायलेटरल सिमिट्री। तो बायलेटरल सिमिट्री, बाई मीन्स दो साइड, दैट इज टू लेटरल साइड्स। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू सिमिलर हाफ्स बाय अ सिंगल प्लेन। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, हमारी जो सिमिट्री होती है दैट इज बायलेटरल। अगर मुझे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो, तो यहां से अगर कट करेंगे तभी मैं दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो पाऊंगी। तो ऐसी सिमिट्री जिन ऑर्गेनिज्म में होती है उसे कहते हैं बाइलेटरल सिमिट्री। तो बाइलेटरल सिमिट्री वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें एक एंटीरियर एंड होता है और एक पोस्टीरियर एंड होता है, एक डॉर्सल साइड होता है, एक वेंट्रल साइड होता है। तो अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात अगर हम करें, तो हमारी जो वेंट्रल साइड है वो कौन सी होती है, बेली साइड। जो जिस तरफ बेली है दैट इज नोन एज, सो बेली साइड इज नोन एज वेंट्रल साइड, एंड डॉर्सल साइड इज द बैकबोन साइड, वर्टिब्रल कॉलम जहां पर होता है, वर्टिब्रल कॉलम। तो जहां पे वर्टिब्रल कॉलम होगा उसको कहेंगे डॉर्सल साइड। तो दिस इज डॉर्सल एंड वेंट्रल, फिर एंटीरियर एंड एंड पोस्टीरियर एंड। तो एंटीरियर एंड जहां पर हेड है, और पोस्टीरियर एंड जो है वो जो इसके अपोजिट जो एंड है उसको कहेंगे पोस्टीरियर एंड। सो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड। सो एंटीरियर एंड पे लोकेटेड है हेड, और हेड की अपोजिट एंड को कहेंगे पोस्टीरियर एंड। तो ह्यूमन बीइंग्स के केस में आपने ध्यान रखना है, जो एंटीरियर एंड है और वेंट्रल एंड है इट इज सेम, लेकिन इन केस ऑफ एनिमल्स इट इज नॉट द केस। आई विल शो यू। इन केस ऑफ एनिमल्स विच आर फोर लेग्ड, फोर लेग्ड एनिमल्स के केस में जो एंटीरियर एंड है और जो वेंट्रल एंड है वो अलग अलग होती है। तो फोर लेग्ड एनिमल्स में दिस इज द एंटीरियर एंड जहां पर क्या है, हेड है। दिस इज द पोस्टीरियर एंड जहां पर टेल है। सो एंटीरियर पोस्टीरियर। अब ये वाली जो बेली साइड मैंने कहा, बेली साइड इज वेंट्रल साइड, और बैकबोन साइड जो होती है इट इज डॉर्सल साइड। तो ह्यूमंस के केस में दिस इज वेंट्रल, दिस इज डॉर्सल, दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर। फोर लेग्ड एनिमल के केस में दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर, दिस इज डॉर्सल एंड दिस इज वेंट्रल साइड। तो फॉर ह्यूमंस दिस इज वेंट्रल और एंटीरियर, क्योंकि हेड भी इसी साइड पे है, वेंट्रल है। बैकबोन साइड इज डॉर्सल, सो दिस इज एंटीरियर साइड, दिस इज पोस्टीरियर साइड। साथ में दो टर्म्स और, एक हम टर्म पढ़ते हैं प्रोक्सिमल एंड डिस्टल एंड, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल। सो प्रोक्सिमल इज द पार्ट नियरर टू द बॉडी। सो व्हाट इज प्रोक्सिमल, पार्ट नियरर टू द बॉडी। है तो सारे पार्ट्स बॉडी में ही अटैच्ड हैं, लेकिन जो पार्ट बॉडी के जो है नजदीक है, जैसे मान लो ये हैंड है, मैंने इसकी प्रोक्सिमल एंड डिस्टल एंड्स बतानी है। तो प्रोक्सिमल एंड इसकी कौन सी होगी, ये वाली,
जो बॉडी के साथ जो है नजदीक है. सो दिस इज प्रॉक्सिमल एंड एंड दिस इज डिस्टल एंड. तो जो एक तरह से आप ये भी याद रख सकते हो, हार्ट के क्लोज जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉक्सिमल एंड में गिना जाता है, दूर हैं तो वो डिस्टल एंड में गिने जाते हैं. तो इसी तरह से लेग की अगर बात करें तो दिस एंड विल बी द प्रॉक्सिमल एंड एंड दिस एंड विल बी द डिस्टल एंड बिकॉज इट इज फार्दर फ्रॉम द बॉडी एज कंपेयर टू दिस एंड. सो अब ये जो साइड्स हैं इनको कहते हैं लेटरल साइड्स, जो ये एंड और ये एंड, एंटीरियर पोस्टीरियर और यहां वाली और यहां वाली, लेफ्ट और राइट जो एंड्स हैं इनको कहते हैं लेटरल एंड्स. तो ये कंसेप्ट जो आपने अभी जो है प्लस वन में ही इलेवेंथ में आपने अच्छे से बना लेने हैं. तो दीज आर दी लेटरल साइड्स. सो प्लेन्स में हम डिस्कस करेंगे जो बॉडी हमारी है उसका जब इंटरनल स्ट्रक्चर एग्जामिन करना होता है तो इट इज पॉसिबल टू कट इट इन थ्री वेज. तो थ्री वेज में कट करने का जो तरीका है, तो एक हमारे पास होता है वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन जिसको फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं, और फ्रंटल और कोरोनल प्लेन. दूसरा है हमारे पास ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन. और तीसरा हमारे पास जो है दैट इज द सेजिटल प्लेन. सो इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक एक बॉटल के थ्रू देना चाहूंगी. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज बॉटल कुमार. तो इट इज इट्स एंटीरियर एंड एंड दिस इज इट्स इट इज इट्स वेंट्रल एंड एंड इट इज इट्स डॉर्सल एंड. तो अगर जो हमारे पास वर्टिकल प्लेन में कब कहूंगी, जब इस तरह से इसको ऊपर से नीचे जो है इस तरह से कट किया जाएगा, यहां से प्लेन जाएगा जो आपके पास एंटीरियर एंड से लेके पोस्टीरियर एंड की तरफ जो प्लेन जाएगा उसको कहेंगे वर्टिकल प्लेन. फिर आता है ट्रांसवर्स प्लेन. तो ट्रांसवर्स प्लेन अगर हम यहां से इसको काटेंगे, बीच से इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ऊपर का हिस्सा अलग नीचे का हिस्सा अलग, तो उसको कहेंगे ट्रांसवर्स प्लेन. फिर आता है सेजिटल प्लेन. सेजिटल प्लेन अगेन हमने जो है उसको एंटीरियर से पोस्टीरियर एक्सिस में ही काटना है, लेकिन जो प्लेन होगा वो क्या होगा, इस तरह से. तो इस तरह से जो बॉडी है वो लेफ्ट और राइट साइड में, इस प्लेन से मैं ऐसे काटूंगी तो बॉडी जो है वो लेफ्ट और राइट साइड में जो है वो डिवाइड हो जाएगी. तो जब वर्टिकल प्लेन से काटा जाता है, वर्टिकल प्लेन से काटा जाएगा तो जो बॉडी है वो डिवाइड हो जाएगी वेंट्रल और डोर्सल में, डोर्सल एंड वेंट्रल में. उसी तरह से अगर ट्रांसवर्स प्लेन में काटूंगी तो एक रीजन आएगा जिसमें ब्रेन होगा, एक आएगा जिसमें लेग्स वगैरह होंगी. तो ब्रेन वाले को बोलेंगे क्रेनियल और नीचे वाले को बोलेंगे कॉडल. तो दो टुकड़े हो जाएंगे. उसी तरह से सेजिटल प्लेन, यहां से ये इधर से नीचे की तरफ काटेंगे तो हमें मिलेंगे लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ द बॉडी. सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लेन्स. नेक्स्ट फीचर्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो.